हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम, मैं पोन यादव। सो गाइस, अभी चलते हैं अयोध्या और आपको दिखाते हैं कुछ जो नया डेवलपमेंट हो रहा है अयोध्या में। जो तोड़फोड़ हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो रोड भी चौड़ी हो रही है शायद सुग्रीव किला के पास, वो भी चल के मैं दिखाता हूँ। और सुग्रीव किला भी दिखाता हूँ आपको, जो लोग नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो में देख लेंगे। सुग्रीव किला भी हमारे अयोध्या में है, तो चलिए चलते हैं अयोध्या। गाइस, अभी हम हैं साकेतपुरी और साकेतपुरी में देखिए फ्लाईओवर जो बन रहा है, तो जहाँ पे परिक्रमा था पचकोसी परिक्रमा रोड, तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे वर्क चल रहा है। काफ़ी जोरों शोरों से ये फ्लाई ओवर बन रहा है जो जालपा चौराहे के पास में ही है इस साइड। ये है बेनीगंज से होते हुए ये जाता है लता मंगेशकर चौराहे के पास, जो बीच में अपना साकेत विद्यालय भी पड़ता है। इस साइड ये पराग की फैक्ट्री है, पराग दूध की, और इस साइड आप देखिए इसी रास्ते में सीधे आपको रेलवे स्टेशन पड़ेगा जो अयोध्या जंक्शन है। और दिखाते हैं आपको क्या क्या इस रास्ते में पड़ता है। और ये रास्ता भी पहले बहुत ही पतला था बट अब थोड़ा चौड़ा हो गया है। तो गाइस, आपको अभी दिखाते हैं साकेत विद्यालय जो बेनीगंज और लता मंगेशकर चौराहे के बीच में ही पड़ता है और राम जन्मभूमि के ही पास में। ये देखिए गाइस, ये सीधे आप जाएंगे तो हनुमानगढ़ी और रामकथा पार्क नया घाट ये रास्ता जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए इसके आगे और दिखाते हैं आपको। नई मंदिर बनी हुई है, देखिए काफ़ी अच्छा लगता है। ये शंकर जी की मंदिर है और यहाँ भंडारे भी होते रहते हैं। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है। आप रेलवे स्टेशन चले जाएंगे, ये जो हॉस्पिटल है राजकीय राम चिकित्सा जो है, तो उसके सामने ही आपको स्टेशन जाने का रास्ता मिल जाएगा। वो ये तिरहा बना हुआ है इस साइड यहाँ पे। देखिए बिरला मंदिर ये है और इसमें धर्मशाला भी है, जैसा कि मैं इसका ब्लॉग आपको दिखाया भी हूँ। बिरला मंदिर के सामने ही आपको दिख जाएगा सुग्रीव किला। देखिए ये सुग्रीव किला है, ये काफ़ी ऊँचाई पर बना हुआ है, ये तो दूर से ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पे पार्किंग आप कर सकते हैं कार वगैरह। तो चलिए आपको दिखाते हैं सुग्रीव किला। तो सुग्रीव किला का ये गेट है, मेन गेट। भूमि पथ है जो रास्ता बनाया गया है इस साइड में, देखिए मैप वगैरह है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है काफी ज्यादा, पता नहीं क्या बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। लेकिन ये पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया बन चुका है, शायद रास्ता बन रहा है मेन, क्योंकि कच्चा रास्ता था ये, आपको दिखाते हैं साइड में। तो देखिए ये पूरा मिट्टी का बना हुआ था जो पूरा है, और इस साइड पूरी पार्क कर दिया गया है, कार के लिए बनाया गया है। दो सेक्टर में इसको अलग कर दिया गया है। इस साइड में भी टैक्सी वगैरह और भी कार खड़ी रहती हैं, और ये धर्मशाला भी है साइड में। और देखिए इस साइड में बन रहा है कुछ, तो दिखाता हूँ आपको। और सुग्रीव किला है ये, देखिए अयोध्या में एक ही मंदिर है सुग्रीव किला। इसी साइड आप देखेंगे तो रोड बन रहा है इस साइड में, पक्की रोड, क्योंकि पूरा मिट्टी का हो जाता है तो बारिश में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी होता था। गाइस, एक बात और है, जो ये रोड आप देख रहे हैं सुग्रीव किला वाला, यहाँ पे कार भी खड़ी हो सकती है और आप सीधे यहाँ से राम जन्मभूमि भी जा सकते हैं। जैसा कि उस साइड में आपको एक मंदिर दिख जाएगा, मैं दिखाता हूँ थोड़ा आपको बैक कैमरे से। तो देखिए गाइस, यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पे फ्री में आपको खाना मिलता है। तो देखिए वो बना हुआ है, तो आप सीधे यहाँ से राम जन्मभूमि जा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं चल के। ये रोड देखिए, ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पूरा खुदाई हो चुकी है और नाला ये बन रहा है साइड में, और ये रोड पूरा बनेगा। इसी साइड में भी लॉकर सुविधा दे दिया गया है थोड़ा सा, देखिए इस साइड में, और यहाँ पर अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि में ले जाना अनिवार्य नहीं है, आप सामान नहीं ले जा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और दिखाते हैं इस साइड से, आप देखिएगा। देखिए आप सीधे ऐसे आ पाएंगे, जो ये रोड बन रही है उसके बाद सीधे आप जा सकते हैं राम जन्मभूमि के अंदर में। और इस साइड आपको जाना होगा तो किले के सामने आगे आप जा सकते हैं, किला के गेट इस साइड से। अगर आपको सुग्रीव किला जाना होगा तो रास्ता यही पड़ेगा, आप थोड़ा सा अंदर आएंगे उसके बाद सीधे आप इसके इधर जाएंगे, तो ऐसे करके आपको सुग्रीव किला का गेट दिख जाएगा। आपको थोड़ा दिखाता हूँ, तो चलिए आपको दिखाते हैं सुग्रीव किला का गेट। इस साइड आप देखेंगे तो सुग्रीव किला का गेट आप दिख जाएगा, श्री राम जानकी मंदिर, तो आप इधर आ सकते हैं। ये मेन गेट है इधर साइड से, प्राचीन मंदिर साइड में भी है सुग्रीव किला के गेट के पास में। ये था एक मंदिर, यहाँ पे ये प्राचीन मंदिर है, और इसके इधर साइड में सुग्रीव किला श्री अयोध्या लिखा हुआ है। तो ये सुग्रीव किला है जो 4 बजे खुलता है शाम के टाइम में, तो अगर आप शाम को आते हैं तो 4 बजे आइएगा। अगर सुबह आप कर ये दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह आप 12 बजे से पहले दर्शन कर सकते हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो एक रन, तो यहाँ पे जब राम मंदिर बन जाएगा तो यहाँ से आपको राम मंदिर क्लियर दिखेगा इस किले से। और देखिए यहाँ पे आपको फ्री में आप खाना खा सकते हैं इस वाले मंदिर में, सिर्फ आधार कार्ड आपका लगेगा।
तो गाइस हम आ गए सुग्रीव किला के अंदर में और आपको दिखाते हैं सुग्रीव किला जो अभी 4:30 बजे खुलेगा। तो अभी थोड़ा आपको बाहर से दिखाते हैं कि किस तरीके से ये किला दिखता है। और दूर से मैंने आपको दिखाया तो ये देखिए इसका कैंपस है सुग्रीव किला का, इस साइड में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, ये दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं आगे से किस तरीके से दिखता है। और यहाँ पे देखिएगा तो काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, दो साइड में 2 फ्लोर है इसका। चलिए और दिखाते हैं आपको, तो इस साइड आप देखेंगे तो आपको सीधे पे आप दिख जाएगा हनुमानगढ़ी, जो अयोध्या का हनुमानगढ़ी मेन हनुमानगढ़ी है ये है। ये भी किले की जैसा है, काफ़ी ऊँचा है पूरे अयोध्या में। इस साइड से भी आप नीचे जा सकते हैं किला के नीचे, तो आप मेन रोड पे आएंगे जिस साइड से हम आए हैं उस साइड से आप पहुंच जाएंगे उस वाले रास्ते पे। और यहाँ पे एक कुआं भी है तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड आप देखेंगे बहुत प्राचीन कुआं है और इस पर आवाज़ गूंज के आ रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप ये देखिए काफ़ी पुराना कुआं है ये, और इसमें देखिए आवाज़ आ रही है गूंज के राम, तो देखिए इसमें इको हो रहा है आवाज़। हमारे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्तंभ बना हुआ है, तो मुझे नहीं पता स्तंभ क्यों बनाया जाता था, बट साउथ इंडियन जो मंदिर रहती है उसमें भी स्तंभ बनाया जाता था मंदिर के आगे ही। तो इस साइड आप गोल्डन देख रहे हैं तो ये स्तंभ है, यहाँ पे देखिए इस साइड में मंदिर के जस्ट मेन जो गेट रहता है उसके सामने ये स्तंभ बनाया जाता है। जैसे साउथ इंडियन टेम्पल मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर भी ऐसा बनाया गया था। तो गाइस आप इसको कहेंगे ये गरुड़ स्तंभ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है गरुड़ स्तंभ, और ये काफ़ी बड़ा स्तंभ बनाया गया है इस साइड देखिए। यहाँ से किले से आपको दिखाते हैं इस वाले रोड का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आप देखेंगे इस साइड में भी, और ऐसे बिरला मंदिर तक पूरा रोड बन रहा है, मेन रोड बन रहा है। और ये मेन रोड गाइस सीधा राम जन्मभूमि के अंदर जाता है, और यहाँ पे लॉकर सुविधा भी दी गई है उस साइड में, जैसे मैंने आपको दिखाया था झुरेडाला आपको दिख रहा है तो ये है। और इस किले में अगर आना हो तो 4:30 बजे शाम को आइएगा तो खुला रहेगा, और अगर मॉर्निंग में आइएगा तो 12 बजे से पहले आइएगा। देखिए कितने श्रद्धालु यहाँ से भी राम जन्मभूमि जाते हैं और आते हैं इस साइड से, तो देखिए। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस साइड में नाला वगैरह बन रहा है ये, और ये भी रोड पूरी वीआईपी हो जाएगी। और यहाँ से भी राम मंदिर दिखेगा, और यहाँ से भी प्राचीन मंदिर दिखता है, ये वाली जो प्राचीन मंदिर है ये जूम करता हूँ इस साइड आप देखेंगे तो ये है प्राचीन मंदिर जो पूरी अयोध्या में आप देखेंगे। इसके अलावा आपको इतना ऊँचा मंदिर नहीं दिखेगा, उसके बाद हनुमानगढ़ी दिखेगा आपको, बाकी और कुछ नहीं दिखेगा। देखेगा इस साइड से यहाँ राम जन्मभूमि मंदिर बनेगा, ये सबसे ऊँचा रहेगा, बाकी इस एरिया में कोई भी ऊँची मंदिर नहीं है सिवाय इस प्राचीन मंदिर के। और देखिए सिर्फ आपको इसके कंपेयर ये हनुमानगढ़ी दिख जाएगा बस, और कुछ नहीं, बाकी सब छोटे छोटे हैं। और गाइस यहाँ पे मुझे लगता है कि इस साइड में आपको जो ये दिख रहा है यहाँ पे विद्यालय भी है शायद, जो शिष्य यहाँ पे रहते हैं वहाँ का जो इसका जो मंत्र होता है ये मुझे लगता है साउथ इंडियन टेम्पल जैसा ही है, क्योंकि आपको साउथ इंडियन टेम्पल में ऐसा गेट दिख जाएगा। तो और ये गरुड़ स्तंभ है ये भी आपको दिख जाएगा, तो ये साउथ इंडियन टेम्पल मुझे आई थिंक यही लगता है कि साउथ इंडियन में बनाया गया है। और थोड़ा सा उस साइड से आपको दिखाते हैं, आप इस साइड से भी नीचे जा सकते हैं बट ये बंद कर दिया गया है, तो चले चलते हैं उस साइड में आपको दिखाते हैं। तो इस साइड आ गए हैं, और इस साइड आपको मैं ये दिखा रहा था कि ये देखिए साउथ इंडियन टेंपल की तरह जो गेट बनाया गया है, तो ये वही उसी तरीके से बनाया गया है ये। से देखिए किला, वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ से मैं आपको दिखा रहा था, और उसके जस्ट सामने आपको बिरला मंदिर पड़ जाएगा, और उसके इस साइड में आपको
धर्मशाला पड़ जाएगा, बिरला धर्मशाला, काफी चीफ रेट से आपको यहाँ पे मिल जाता है रूम। और देखिए यहाँ पे इस साइड में आप कार वगैरह खड़ा कर सकते हैं, इस साइड से आप राम जन्मभूमि मंदिर जा सकते हैं। अगर आपको राम जन्मभूमि मंदिर ऐसे थोड़ा सा और आगे आप जाएंगे तो आपको ये पड़ेगा हनुमानगढ़ी, आप हनुमानगढ़ी होते हुए ऐसे ऐसे होते हुए कॉरिडोर से होते हुए आप राम जन्मभूमि जा सकते हैं। दो रास्ता है राम जन्मभूमि जाने का आगे से, बाकी दो तीन रास्ता पीछे से भी बनाए गए हैं। तो गाइस हम चलते हैं बाहर क्योंकि खुलेगा काफी देर में ही, तो चलिए आपको और लोकेशन दिखाते हैं। अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा राम पैड़ी, पूरे त्योहार खत्म होने के बाद किस तरीके से लगता है और भीड़ है कि नहीं है। अभी ये हाईवे है जो राम पैड़ी वाला, तो गाइस देखिए राम पैड़ी त्योहार के बाद कितना सन्नाटा लग रहा है। इस साइड भी कोई नहीं है ज्यादा, ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है, सब चले गए हैं। और इस साइड आप देखेंगे तो कुछ ही लोग आपको दिखेंगे जो यहाँ के लोकल लोग रहेंगे। तो देखिए कितने सारे बंदर इधर टहल रहे हैं, बहुत सारे बंदर हो गए हैं अद्धा में। इस साइड देखिए बैठे हुए हैं, तो इधर भी बैठा हुआ है। राम पैड़ी भी काफी ज्यादा सन्नाटा है, थोड़ा सा और मैं आपको उधर दिखाता हूँ। और ये सनसेट हो रहा है, काफी अच्छा भी लग रहा है जो मैंने आपको भी थोड़ा सा दिखाया। तो चलिए थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको राम पैड़ी, फिर सरयू घाट पे चलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं। सर देखिए आज राम पैड़ी की सफाई हो रही है और काफ़ी ज़्यादा लग गया था इसमें तेल। देखिए उस साइड पूरा ब्लैक दिख रहा है, इस साइड नया दिख रहा है, तो इसे जो ये साफ़ करने वाला होता है मशीन, इसे साफ़ किया जा रहा है, नहीं तो साफ़ नहीं होगा। देखिए बहुत सारा पूरा गंदा हो गया था राम पैड़ी। इस तरीके से सफाई होती है तो इस, क्योंकि तेल लग जाता है, तो इसके ऊपर तेल लगने के बाद इस पर रेत डाल दिया जाता है। रेत डालने के दो तीन हफ्ते बाद इस पर ये मशीन चलती है, तब ये साफ़ हो जाता है। देखिए कितनी मेहनत लगती है। वही साइड देखिए घाट, घाट में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं क्योंकि आरती वाला टाइम हो गया है। इस साइड देखिए होती है सरयू आरती, जो महा आरती होती है ये स्वर्ग घाट के पास। और आगे दिखाते हैं आपको इस साइड, तो इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आरती की तैयारी चालू हुई है। और यहाँ से लेकर पूरा घाट देखिए इस टाइम थोड़ा सन्नाटा हो गया है और यहाँ पे आरती होगी इस साइड अभी, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है अपना ओवर ब्रिज। ये शाम का व्यू कितना प्यारा लगता है सरयू नदी पे। और गाइस यहाँ पे नींबू की चाय लीजिए और शाम को यहाँ पे चिस्किया लगा के इस सरयू नदी के तट पर बैठिए, कितना आनंद आता है आप देखिएगा। अगर नहीं आएगा तो भी बताइएगा हमें, जब आप आइएगा यहाँ पर एक बार जरूर ट्राई करिएगा, शाम के टाइम आकर यहाँ पे चाय पीजिए घाट के पास, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसी छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।